अगर आप लोग ने भी मनी व्यू लोन ऐप से लोन ले रखा है और उसका रिपेमेंट नहीं किया और ड्यू डेट चली गई है, तो आपके साथ क्या क्या हो सकती है और क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ रहे हैं और उसकी सॉल्यूशन क्या होगी, सारी इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये मनी व्यू एप्लीकेशन के बारे में। तो ये मनी व्यू NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जो कि RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलने वाली है। तो यहाँ पे आपको ये कंपनियां क्या करती हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ज्यादा से ज्यादा ये कंपनी क्या कर लेगी आपका। ये ज्यादा से ज्यादा आपका सिविल सिर्फ खराब कर सकती है अनसिक्योर्ड लोन के केस में, ये आपका सिर्फ सिविल खराब कर सकती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। सिविल खराब होती है तो आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, उससे ज्यादा आपके साथ कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, जो प्रॉब्लम तो आपको फेस करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, पर वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या होगी वो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम अभी हो रही है उसका हम लोग लाइव सॉल्यूशन ले, मतलब लाइव सॉल्यूशन कहने का मतलब आपको एक हेल्पलाइन नंबर चाहिए और उस पर आप हम लोग से कांटेक्ट करें और आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसके सॉल्यूशन हम लोग उसमें बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं कि आपको एक कांटेक्ट नंबर हेल्पलाइन नंबर की जरूरत है। तो चलिए आप लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग जानबूझ के लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग लोन रिपेमेंट कर दें इस एप्लीकेशन का, और लोन रिपेमेंट करके इससे झंझट हटा ले। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इन केस में आपके साथ लीगल एक्शन होंगे और जो किसी प्रॉब्लम के कारण लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। आप बस रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, आपके पास जब पैसा हो तभी आप रिपेमेंट करें। इस केस में आपके साथ क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये सब कॉल करेंगे जब भी ड्यू डेट आपका चला जाएगा, उसके बाद आपको ये कॉल करना स्टार्ट कर देंगी ये कंपनियां। कॉल करने के बाद आपको धमकी देंगी या फिर आपको बोलेंगी जल्दी रिपेमेंट करो, नहीं तो वगैरह वगैरह कुछ भी धमकियां देना स्टार्ट कर देंगी। इन केस में आपको क्या सॉल्यूशन है मैं बता देता हूँ। इस केस में आपको जब भी कॉल आए तो आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा तो आपके पास एक ये रहेगा, क्या बोलते हैं, एक प्रूफ रहेगा कि आप लोग को उन्होंने ऐसा ऐसा बात बोला। और जब भी कॉल आए तो आपको उनसे वक्त मांगना है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास जब पैसे होंगे तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अगर आपको वक्त मांगना है तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए या उनके ईमेल पे आप ईमेल कीजिए, अपना पूरा डिटेल बताइए, पहले अपना लोन अमाउंट वगैरह सब बताइए, लोन अकाउंट नंबर बताइए, उसके बाद अपना रीजन बताइए कि अब मैं अभी रिपेमेंट क्यों नहीं कर पा रहा, और उसके बाद बताइए कि आपको इतना वक्त का टाइम चाहिए। तो उसके बाद आपको ये सब काम करने हैं और इनसे आप जैसे बात कीजिए, जैसे मेल कीजिएगा, आपका रिप्लाई आ जाएगा। अगर वक्त दे दे तो अच्छी बात है, अगर वक्त नहीं दे तो आपके साथ ये काम हो सकते हैं। तो कॉल करेंगे तो आपको सीधा क्या करना है, वक्त मांगना है कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके, और कॉल रिकॉर्डिंग जब आप ऑन कर ले उसके बाद भी अगर वो फिर से कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, आपने प्रॉब्लम बताया, फिर से कॉल बार बार कॉल कर रहे हैं वो लोग, इन केस में आपको क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। इस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉल नहीं उठाना और कॉल छोड़ देना, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। तो ये बात हुई कॉल के रिगार्डिंग। अब उसके बाद कॉल आप करना उठाना छोड़ देंगे, उसके बाद आपके साथ क्या होगा मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको ये नोटिस भेजना स्टार्ट करेंगी व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या फिर के घर के लोकेशन पे आपको नोटिस भेजना स्टार्ट करेंगी। उसमें लिखा रहेगा कि अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्या इस नोटिस की सच्चाई मैं बता देता हूँ। ये नोटिस जब भी आती है वो कंपनियां के रिमाइंडर के तौर पे आती है और कुछ नहीं, उसमें रिमाइंडर आपके लोन को लेकर के रिमाइंडर होता है और कुछ नहीं होता है। ये सब अगर आप इसका रिस्पांस भी नहीं देते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर वो आप उसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको नोटिस सिर्फ पढ़ लेना और छोड़ देना और कुछ नहीं करना है। इसका ये नोटिस आए, उसका प्रॉब्लम बताया, नोटिस आएगी और उसका क्या सॉल्यूशन है वो मैंने बता दिया। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद क्या होगा, नोटिस आया कॉल आया उसके बाद आपको रिकवरी एजेंट ये भेजेंगे ये कंपनियां। ये जब भी रिकवरी एजेंट जो होती है वो थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जो कि आपके सिटी में होती है। वो क्या करती है ये कंपनी मनी व्यू कंपनी, आपको
आपका जो डिटेल्स है, आपके नियरेस्ट कोई भी लोन रिकवरी कंपनियां होंगी उनको भेजेंगी और उनसे रिकवरी के लिए आपके घर पे भेजेंगी। तो जब भी आपके घर पे रिकवरी एजेंट आए तो आपको वीडियो बना लेना है। मैंने बहुत बार बोला है अपने वीडियोस में, अगर आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, तो आपको ये बात पता होंगी, जब भी आपके घर रिकवरी एजेंट आए तो आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी है। जब तक वो रहे तब तक आपको वो रिकॉर्डिंग ऑन रखनी है, और जब भी वो आए तो उनके बाद क्या करना है, तो उनसे आपको आईडी कार्ड मांगना है, उस कंपनी की मनीव्यू कंपनी के आईडी कार्ड मांगना है। वो मनीव्यू आईडी कार्ड अपना दिखाने से असक्षम हो जाएंगे क्योंकि वो थर्ड पार्टी एजेंसी से आए हुए हैं। तब आपको उन केस में आपको बोलना है कि आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप हमसे बात नहीं कीजिए। सिंपल से आपको ये बात करना है, मैंने वक्त मांग चुका है कंपनी से, अगर कंपनी मुझे वक्त देती है तो अच्छी बात है, नहीं दे रही है तो मेरे पास जब पैसे होंगे तो मैं रिपेमेंट करूंगा। इस केस में आपको और कुछ नहीं करना है, उसको सीधा सीधे जो भी कुछ बोले आपको ये रिप्लाई देना है। तो क्या होगा उसके बाद, अगर फिर भी आपको तंग करते हैं तो आपको सीधा बोलना है कि मैं आप पे केस कर दूंगा, सीधा बात और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइंस जो है वो आपको सीधा फॉलो करना और कुछ नहीं, वो जान लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं जानना है। आरबीआई की गाइडलाइन के मैंने रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड कर चुका है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट की बात है, उसका सॉल्यूशन मैंने बताया, आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है और उनसे भी वक्त मांगना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको ये कंपनी क्या करेंगे, धमकिया देना स्टार्ट करेंगे कि मैं आप जा रहा हूँ केस में, कोर्ट में केस करने वगैरह वगैरह, तो आपको बोलना जाइए आप केस कर दीजिए, मेरे पास अभी जब पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से ला के दे दूँ, अगर मेरे पास जब पैसे होंगे मैं आपको जरूर दूंगा, सीधा आपको ये बात बोलना है। और वो कंपनी कभी भी कोर्ट में नहीं जाने वाली है, ये आप जान लीजिए, ये कंपनी कभी भी कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि जितना आपको अमाउंट दिया उनसे ज्यादा उनका तो अमाउंट लग जाएगा वहां दौड़ भाग करने में, क्योंकि ये जो अनसिक्योर्ड केस में जो केस होते हैं वो 10 साल 15 साल लगभग चल जाते हैं। तो इस केस में आपके ऊपर कभी केस नहीं होगा, अगर बशर्ते आपका ज्यादा अमाउंट ना हो, मान लीजिए आपका अमाउंट 2 लाख से कम है तो इस केस में कभी वो कंपनी कोर्ट में नहीं जाएंगी। तो ये बात हुई अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, मनीव्यू एप्लीकेशन के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको इससे एक्स्ट्रा भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। तो चलते इस वीडियो में, होप करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।